हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड डेल के एपिसोड नंबर 97 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड बिना टाइम वेस्ट करिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया था लेन उस पावर रेंजर वाले गॉड फादर से फाइट कर रहा होता है और बोलता है ये किस तरीके से पॉसिबल है, ह्यूमन इस तरीके की फील्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये किस तरीके घोस्टली फील्ड का नतीजा है, और भला यहाँ पर कोई और भी क्यों नहीं है और कुछ भी नहीं है। और तभी गॉड फादर वहाँ से बोलता है ये मेरी घोस्टली फील्ड है, यहाँ पर कोई घोस्टली मतलब भूतों के पावर डीमन विमन के पावर से नहीं बना हुआ है, ये मेरी एनिमी की मैजिकल पावर से बनी हुई है। और तभी लेन मन में सोचते हुए बोले लगता है मुझे लगता है कि इस फील्ड के अंदर जो मेरा एनिमी है वो बहुत ज़्यादा इनविजिबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और तभी वो अपनी नाइट मीडियो और फिस्ट का इस्तेमाल करता है गॉड फादर के खिलाफ, लेकिन लेन उसे सुन लेता है। वो बताओ फाइट करते समय कौन चिल्लाता है, एक चुपके से अटैक कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा है। तभी लेन भी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ये मैं भी कर सकता हूँ, आ जाओ देखते हैं कौन किस में कितना है दम। और तभी जो गॉडफादर उससे बोलता है ये किस तरीके का मूव है, मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुमने किस स्कूल से सीखा हुआ है। और तभी लेन उसको मुक्का मारता है और बोलता है भला फाइट के बीच में कौन अपने मूव का नाम जोर जोर से चिल्लाता और चुपके से अटैक करता है, क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है बेवकूफ, कहीं के फाइट करते समय इस तरीके से नहीं किया जा सकता। और तभी दोनों की तरह कचरे जैसे फाइट करना स्टार्ट बोल देते हैं और बोलते हैं तुम यंग मैन यहाँ पर आकर ट्रेन मत करो, मैं बस तुमसे यहाँ पर फाइट कर रहा था, क्या तुमने अभी अभी अपने मुंह का नाम नहीं चिल्लाया। और तभी वो फिर से अपना लिन लट निकालता है और उसे बजा देता है चांद में और उसे बोलता है लो अब तुम मेरा मुंह चख। तभी वो अपना मुंह का नाम रखता है नाइट मेयर फॉर्मूला मून अर्ली स्टेज, भाई साहब कहते हैं जहर लग रहा है ना ये मुंह। इसको देखने के बाद वो डर जाता है और उसकी पूरी सोल मतलब आत्मा तक हिल जाती है और उससे बोलता इस तरह के मुंह पढ़ना बंद कर दो। और तभी लेन उसे लठ मारता है एक और बजाते हुए बोलता है अच्छा ये जो मेरा मूव था वो तो मैं काम कर गया, इसका मतलब नॉलेज ही पावर है। और वो बराबर धमाके लगाने लगता है उसको ट्रिक मतलब मारने लगता है फाइट करने लगता है। और तभी अचानक उसको सिस्टम ट्रिगर होता है और नोटिफिकेशन देते हुए उसे बोलता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम इसकी मदद करो और इसका जो माइंड है वो इसकी जो बीमारी है वो सही कर दो, इसके तुम्हें 38 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है उसकी फाइट की जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई करो और उसे दूसरी दुनिया में रहने दो, उसके 20 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है इसे मार दो और निपटा दो, उसके तुम्हें सिर्फ 20 पॉइंट मिलेंगे। और ये देखने के बाद लेन सरप्राइज होता है और बोलता है मनी मन में मुझे विश्वास नहीं होता सिस्टम किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इस समय पर मिशन आ गया इस तरीके का, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे सबसे ज़्यादा फायदा तो पहले में मिल रहा है तो पहला वाला ऑप्शन चुनूंगा, तो मैं इसे बचा क्यों नहीं लेता, कुछ करना पड़ेगा। और बोलता है तुम्हारा जो डॉक्टर लेने यहाँ पर आ गया है, और वहाँ से भागने लगता है और अजीब सा पोज बनाता है, ये देख के भाई हंसी छूट जाती है। और तभी उसको पीछे पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या मैं हैंडसम हूँ या फिर जो पेपर मैन है पेपर पर जो मैन छपा हुआ था वो हैंडसम है। तो ये बोलता है एनिमी में जो पेपर मैन है, लेकिन वो उसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ देता है जो लेन होता है, भाई ये देखने के बाद तो मुझे भी बहुत हंसी छूट रही है। और अभी उसके डंडा डालते उसे कहता है अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तुम्हारी बीमारी में, चलो फिर से देखते हैं थोड़ा सुई तो ठोक दूँ। तभी वो गॉडफादर उससे बोलता है वो तुम हो जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम किस तरीके शैडो निंजा या फिर बूरो मैन हो लेजेंड के, आखिरकार ये किस तरीके का अंडरवर्ल्ड है, ये किस तरीके के मूव है जो तुमने कभी सीखा ही नहीं है, और उस तरीके का बेकार वेपन मेरे खिलाफ यूज़ भी मत करो, भाई उस डंडे से लगी होगी बहुत ज़्यादा दुखी होगी इसकी जली ना। पता ये बोलता एक बार मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूँ तो फिर तुम पर मैं ये अटैक इस्तेमाल नहीं करूँगा, और अपने लट को छोटा करके कान में घुसाने लगता है और बोलता है मैं अपने पेशेंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा कर देता हूँ प्रोफेशनली, आखिरकार मैं एक मेडिकल डॉक्टर जो हूँ। और तभी वो सामने वाला गॉडफादर उसको वेपन निकालता है अपना और उससे बोलता है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ना समझो, और उस पर अटैक करने लगता है और बोलता है मैं बीमार नहीं हूँ, लगातार अटैक किया जाता है उस नाइफ से। और तभी उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है इस तरीके से एक चाकू अपने हाथों में पकड़े हुआ बेवकूफ़ कहीं के, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, इस तरीके का चाकू नहीं घुमाना चाहिए बहुत बुरी बात होती है। ये देखने के बाद उसकी और सटक जाती है और बोलता है मैं एक नाइट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरीके से इंसल्ट करने की, मैं मेरा जो मास्क राइडर है भाई इस तरीके से नहीं मार खा सकता। और तभी भाई लेन भैया तो होते एक नंबर के, बजाना चालू करते तो फिर चुप कहाँ होते हैं, और लगे जोड़ से भाई थप्पड़ बोलता है अच्छा अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी देखते अभी बताता हूँ। और उसका जो मास्क है वो पूरी तरीके से टूट जाता है उसके थप्पड़ों के कारण, और वो सामने वाला जो गॉडफादर होता है उससे बोलता है क्यों आखिरकार तुमने मेरा जो इल्यूजन है वो इस तरीके से कैसे वो तोड़ दिया, आखिरकार जो मेरा इल्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बेटर वर्ल्ड जो है तुम्हारे से। पता है यूलेन उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है और उससे बोलता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि नेट पेट्रोल डिवीजन के बोनस के लिए मैं फाइट करूँगा और ज़्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मैं अपनी फैमिली को पाल सकूँ पैसा कमा कर, अपने रिवॉर्ड के लिए तुमसे फाइट कर रहा हूँ और तुम एक आलसी कहीं के मिडिल एज वाले बंदे हो, तुम किस तरीके से हमारे जैसे सोशल वर्कर की
मेहनत को समझ सकते हो, हमारी फीलिंग को समझ सकते हो, तुम बस एक नल्ले हो नल्ले। तभी वो भी उस पर अटैक करता है और बोलता है, क्या मैं इतना ज्यादा रिलैक्स करता हूँ? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर डेली की डेली रखे हो फिर रहा हूँ। अभी जो लिन होता है वो भी चपरा जाता है और बोलता है, तुम्हारे इस पंच ने तो वाकई में मेरे ट्रांसफॉर्म को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ये बहुत ज्यादा अच्छा था, चलो फाइट करते हैं। और लगता है समय आ चुका है ये खत्म करने का। तभी जो गॉडफादर उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है, चलो ठीक है चलो करते हैं इसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना किलर मूव। और बोलता है, नाइट की किक, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी ये कर सकता हूँ। और वो भी अपना एक किक मारता है और बोलता है, ये ले तू बुढ़े आदमी। और दोनों की जो किक है वो आपस में टकराती है, कतई लग रही है निंजा फाइट कर रहे हैं। और तभी ये देखकर वो सरप्राइज होता है गॉडफादर और बोलता है, अरे नहीं ये तो एक जैसी नाइट किक है, आखिर मैं किस तरीके से इससे हार सकता हूँ। और तभी जो लिन होता है उस पर किक मारने के बाद उसको तबाह करने बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता एक नाइट हार जाता है लेफ्ट किक से? और उसका जो बैरियर होता है वो ही पूरी तरीके से टूटे स्टार्ट हो जाता है और बोलता है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। उन्होंने स्टार्ट कर देता है वहीं पर और वो हार जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं अभी भी यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का बंदा नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। और हमें दिखाया जाता है बाहर की दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर मोचक और गोलियाँ ने तो सबकी बजा कर रखी हुई थी और जो स्प्रिट हॉट स्प्रिट होती है ना वो तो मजे अलग ही ले रही होती है, सबके कपड़े फाड़ दिए होते हैं। और गोलियाँ और बोलती है उससे, आखिरकार हमने वहाँ पर निपट लिया है। और सभी लोग बच के भाग रहे होते, तभी वो अपनी पुरानी स्टोरी बताने लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स उन्होंने डिवोर्स ले लिया था जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, और मुझे अकेला वहाँ पर छोड़ गए और मेरे बारे में भूल गए और ठंडों में छोड़ दिया, मैं अकेला वहीं पर पड़ा रहा। और तभी पता चलता है उसकी बताता है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो किसी अमीर बंदे के साथ भाग गई और उसकी कार बन गई। अब समझ जाओ कार बनने का मतलब, क्योंकि घोड़ा बनना कहते हैं भाई, नहीं ज़्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन करना ये हिस्ट्री विस्ट्री, सीधा पॉइंट है वो बताओ। और बोलता है, अब जो मेरा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सेकेंडरी वर्ल्ड था वो भी तबाह हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, मैं बुरी तरीके से हार चुका हूँ। उस तभी जो सिस्टम है वो नोटिफिकेशन देता है, तुम्हारा मिशन पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है और तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिल चुका है। और तभी लेन भी सब देख कर सबराज होता है और बोलता है, क्या सच में मेरा मिशन कम्प्लीट हो गया? वैसे तो नहीं करना था, लगता है इसकी जो डिसीज है मतलब बीमारी है वो ठीक हो गई है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी बोलता है, तुम्हें इस तरीके से खुद को डिनाई करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा भगवान है वो फेयर है, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ लेकिन मेरे को भी बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी आने लगती है और मैं भी इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ लेकिन खुद से काम करना पड़ता है। तभी सामने वाला बंदा बोलता है, क्या मैं सच में तुम्हें शुक्रिया कहूँ? तभी बोलता है, भले ही सेकंड जनरेशन हो थर्ड जनरेशन हो इस दुनिया में, लेकिन इंसान होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खुशी और हमेशा खुश रहना। और ये किसी तरीके की डिसीज़ नहीं है, मतलब किसी तरीके की बीमारी नहीं है मिडिल एज में, बस तुम्हारी ये परेशानी कि तुमने असली दुनिया को तबाह करने की कोशिश की थी, तुम्हें रियलिटी का सामना करना होगा। और भाई वो रोना स्टार्ट कर देता है पूरी तरीके से और तभी रोते कहता है, तुम्हें तो भगवान के गॉड ने भेजा, मतलब एनिमी गॉड ने भेजा हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर बचाने आए हो ना? भाई साहब किस तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है। ये देख कर सबराज होता है और बोलता है, तुम अपना बंद करो, मैं नाइट पेट्रोल डिवीजन का एक ट्रेनी हूँ बस, तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। और बोलता है, भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस तरीके से केस सॉल्व हो जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दो लोग एक छत पर बैठे हुए होते हैं, और एक लूवान और एक बेंजी जो इन्वेंटर होता है, एक बम लेकर बैठा होता है वो इन्वेंटर, वो उससे कहता है, इस कांगलान सिटी की जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल जहाँ पर धमाके केमिकल धमाके करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सही सुटेबल जगह है मेरे लिए। तभी लूवान उससे कहता है, ये भी दोनों पागलखाने से भागे हुए बंदे हैं, और बोलता है, जनरल हमें परमिशन दे दी है, हम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये वो लोग छत से कूद जाते हैं, भाई तुम मरना चाहते हैं, पावर आ रहा है बच जाते हैं, हमारी जो टांग काम पूरे टूट जाते हैं। और सभी जो बोलता है, इंजीनियर कल हम यहाँ पर हेलोवीन बनाने वाले हैं, तभी हमारा समय एक्शन लेने का इनके खिलाफ, चलो आज इन्हें मजे करने ले दो। और दोनों को दोनों कूद जाते एकदम सुपरमैन की तरह, और बोलता है, मेरा जनरल जो फैंग है बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, बहुत ज़्यादा प्यासा है खून का। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताना, खैर मत ही बताओ बहुत बोल देते हैं हर वीडियो में, तो यही बोलता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, छोड़ो यार बोलना ही बंद ही कर देते हैं आज से इस वीडियो के बाद से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।